फील गुड टू डाई KBS का ड्रामा है। इसके 16 एपिसोड है और एक वेबटून बेस्ड शो है। कहानी घूमती रहती है ली रू डा के आसपास, जो एक सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में काम करती है। उसका बॉस एक नंबर का नकचड़ा रूड आदमी है, जो अपने एम्प्लॉयज की बिल्कुल कदर नहीं करता, उनपे बेमतलब के डांटता रहता है और काम थोपता रहता है। तो ऐसा ही करेक्टर हमें क्रेजी दफ नाम के शो में भी देखने को मिलता है। और इसका रोल निभाया है जो नाम है करेक्टर का वो है बैक जिन सांग, जिसका रोल निभाया है कैंग सी हवान ने। और इसे आपने चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड जैसे शोज में भी देखा होगा। तो वो मीन है, ठीक है, और उसे कोई पसंद नहीं करता। तो हमारी हीरोइन उसे बार बार ना मारने का सोचती रहती है कि कैसे खून कर दूं इसका। बार बार ऐसे कॉमेडी वाले सीन आते रहते हैं, पर वो सीरियस सीन है, खून कर रही है किसी का। तो एक दिन आता है नवंबर 7 का, उस दिन ना कंपनी डिनर होता है और सब पी पा रहे होते हैं इनके कंपनी डिनर में। तो बॉस को जो है ना उनको ट्रक ठोक के चला जाता है। पर हमारी हीरोइन नवंबर 7 की मॉर्निंग को वापस लौट आती है और बार बार यही होता रहता है। तो उसे लगता है कि इसे बचाना पड़ेगा, पर वो उससे बचाने से पहले बॉस को टाइम लूप से निकलने से पहले वो क्या करती है, वो जम के बदला लेती है। जिस प्रकार से भी वो मार सकती है ना उसे मारने की कोशिश करती है। फिर वो थक जाती है, अक जाती है, फिर वो उसे बचाने की कोशिश करती है। फिर क्या होता है कि बॉस को भी टाइम लूप का पता लगने लग जाता है, फिर दोनों में रोमांस पैदा होने लग जाता है। और फिर क्या होगा और ये टाइम लूप में कैसे फंसे हैं, इसी के अराउंड कहानी घूमती रहती है। ओवरऑल एक सस्पेंस टाइम लूप वाला शो है जिसमें रोमांस बेमतलब में घुसाया गया है ऐसा लगता है। जो ओरिजिनल वेबटून है उसमें रोमांस नहीं होता, दोनों करेक्टर एंड में एक नहीं होते, पर इसमें कुछ ऐसा होता हुआ दिखाया गया है। पर ओवरऑल ठीक है, OST अच्छा है, हमें बीच बीच में कुछ सीन गुस्सा भी दिलाते हैं। तो और उस टाइम लूप के कारण बहुत सारे सीन लूप में जा रहे हैं जिसके कारण रिपीटेड लगते हैं। ओवरऑल एक ही टाइम पास शो है जिसे आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो इसे आराम से मिस भी किया जा सकता है। तो मैं इसे 7 की रेटिंग दूंगा 10/10। अगर आपने शो देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में। अलविदा।